हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की दो बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 आम, देख सकते हैं, और इस तरह के साइज मैंने लिए हैं। आप चाहें तो आप कोई भी साइज ले सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसका बहुत ही इजी और एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं। फ्रेंड्स, मैंगो तो आप बहुत सारे तरीके से खाते हैं, पर इसे हम आपको बहुत ही मजेदार सा जो है वो तरीका बताते हैं इसे खाने का, और खाने में बहुत ही यमी और मजेदार लगता है। फ्रेंड्स, मैंगो को कट करने से पहले हम जो है इसका एक मिक्सचर बनाएंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। और एक छोटा चम्मच जो है हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसे रखते हैं साइड में। अब हम मैंगो की कटिंग कर लेते हैं। मैंगो को हम सबसे पहले ये जो इसका पार्ट होता है इसे कट करके निकाल लेंगे, और इसे हम अब यहाँ से इसे कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेना है, इसे हम बीच से भी ऐसे इसे कट कर लेंगे। देखिए कितना मजेदार है, और इसे आप एक बार खाएं और बहुत ही यमी लगता है। दिख रहा है ना कितना यमी, और देखते ही मुंह में आ गया ना पानी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक बार इस तरह से ट्राई करें, बहुत ही यमी लगता है। चलें हम दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे मैंगो को जो है छील लेना, सारे आम को मैंने जो है छील लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। तो इस तरह का ग्रेटर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इससे भी मोटा अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो बस इसे हमने जो है ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे मैंगो को ऐसे ही ग्रेट कर लेना है। सबसे पहले हमने जो है कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सरसों के तेल में ही जो है आम की जो लौंजी होती है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। तो ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच हमने जो है मेथी लिया है, और 2 लाल मिर्ची। इन सबको हमने जो है ऑयल में अच्छे से ऐड कर लेना है, और इसे कुछ सेकंड के लिए इसमें तड़क लगने देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट इसे भून लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो है आम की लौंजी में बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भरकर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, में चीनी ऐड कर लेंगे। इन सबको जो है हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये काफी अच्छे से जो है मिक्स हो गया है। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसे कुक होते 20 मिनट करीब हो चुका है, इसे अच्छे से चला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैंने बीच बीच में बहुत बार चलाया है। ये देखिएगा इस कितना बढ़िया जो हमारा आम की लौंजी है वो एकदम परफेक्ट कुक हुई है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी कांच के जार में इसे रख लें, और आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे आप कोशिश करें कि कांच के बर्तन में ही रखें, इससे जो है हमारी आम की लौंजी खराब नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो आम की लौंजी है वो एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी है, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, ये दिखने में जितना ही अट्रैक्टिव है ये खाने में उतना ही मजेदार होता है। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह से एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखें। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।